वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और आज का जो लेक्चर है, टुडेज लेक्चर ऑन बायोमोलिक्यूल। पिछले लेक्चर में आपने देखा था बायोकेमिस्ट्री के जो है उसकी स्टडी क्यों करते हैं, उसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज आप क्या शुरू करोगे, बायोकेमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स, जो कि पहला बायोमोलिक्यूल क्या था, कार्बोहाइड्रेट। उसी के ऊपर आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, उसके फंक्शन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो डिवाइड किन किन चीजों में किया गया है। प्रीवियस लेक्चर समरी यानी आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पहले का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें क्या पढ़ा था आपने, बायोकेमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री है क्या, किन चीजों से मिलकर बनी है। पीछे के लेक्चर में आपने क्या देखा था, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या था, द ब्रांच ऑफ साइंस यानी विज्ञान की वह शाखा कंसर्न्ड विद द केमिकल यानी लिक्विड के साथ क्या है उसकी इन्वेस्टिगेशन, या क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है। एंड फिजियोकेमिकल, फिजियोकेमिकल का मतलब क्या है कि फिजिकल से लिया गया, यानी कि ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन के अंदर, बनने के अंदर जो केमिकल काम में आते हैं उनके अंदर, फिजियोकेमिकल प्रोसेस की उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्वमेंट है। एंड सब्सटेंस दैट अकर विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर ऐसे सब्सटेंस जो क्या है जिंदा ऑर्गेनिज्म के साथ बनते हैं, उनके अंदर फॉर्म होते हैं, उन सभी की स्टडी किसके अंदर करते हैं अपन, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल, बायो मीन्स लाइफ या जीवन, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स की स्टडी। सेकंड डेफिनेशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री समटाइम्स कॉल्ड, बायोकेमिस्ट्री को कुछ कई बार आप क्या कहते हो, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री यानी जैविक विज्ञान या जैविक केमिकल्स, इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस विद द विद इन एंड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर किसकी स्टडी करते हो आप, एक तो केमिकल प्रोसेस की, किससे रिलेटेड, रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो क्या है जिंदा ऑर्गेनिज्म से, लिविंग मीन्स जिंदा और ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे ह्यूमन हो गया या फिर बैक्टीरिया वायरस कोई भी ऑर्गेनिज्म लो, वो जिंदा रहने के लिए कौन से कंपाउंड से उनका फॉर्मेशन होता है, कौन से कंपाउंड वो एनर्जी के रूप में या फिर न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम में लेते हैं, उन सभी की स्टडी किसके अंदर करते हो आप, बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हो। और उन सभी की स्टडी को ही आप क्या कहते हो, बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को ही आप क्या कहते हो, बायोकेमिस्ट्री। ये सब डिसिप्लिन ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बायोलॉजी का, जैविक का, जीवन का और केमिस्ट्री का, केमिकल्स का, क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फील्ड, और इन बायोकेमिस्ट्री को, ये जीवन है जो केमिकल्स की स्टडी है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने, तीन पार्ट के अंदर। एक तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी यानी किसी चीज की स्ट्रक्चर को बनाने में जो चीजें कंपाउंड काम में आते हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी या स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। दूसरी एंजाइमोलॉजी यानी जो एंजाइम्स न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में काम में आते हैं वो क्या है, एंजाइमोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। जैसे पाइरूवेट को यानी ग्लूकोज से पाइरूवेट के अंदर आप कन्वर्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं, वो एंजाइम्स किस में आते हैं, एंजाइमोलॉजी में। एंड मेटाबोलिज्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म या फिर फैट की मेटाबॉलिज्म या फिर क्या है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, वो सारी चीजों की स्टडी किसमें करते हो आप, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट आपने देखा था बायोकेमिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना, यानी बायोकेमिस्ट्री किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से यानी मॉलिक्यूल्स यानी अणु से, जैसे कार्बोहाइड्रेट या फिर ये चीजें कंपोज्ड किससे हुई हैं। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमिना यानी जो कंपाउंड आप स्टडी करोगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर लिपिड, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उन सभी की जो स्टडी है वही किसके अंदर करते हो आप, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, मच ऑफ बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप किस चीज से डील करते हो, मतलब किस चीज का अध्ययन करते हो, एक तो उस मैक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसी है,
मतलब वो बना किन किन चीजों से है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, साथ में क्या होता है उसमें, या तो एल्डिहाइड या कीटोन्स, उसी तरीके से एंड इंट्रेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल सच है। और कौन सी चीजों, कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी करोगे, जैसे प्रोटीन्स है या फिर न्यूक्लिक एसिड है जैसे डीएनए, आरएनए, या फिर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, इन सभी की स्टडी, उनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर की जो इंफॉर्मेशन है वो किसमें मिलती है आपको, बायोकेमिस्ट्री में। वेहन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड परफॉर्म मेनी ऑफ द फंक्शन एसोसिएटेड विद लाइफ, और ये सारी कंपाउंड है विच प्रोवाइड, जो क्या है जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारे क्या है ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, बनाने में इनका इन्वॉल्वमेंट है, और क्या है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन किस तरीके से करते हैं, काम क्या क्या है इनके लाइफ से रिलेटेड, उन सभी की स्टडी किसके अंदर करते हो आप, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल। ए बायोमोलिक्यूल, ए मोलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायो मीन्स जैविक, मोलिक्यूल्स मीन्स अणु, ए मोलिक्यूल दैट, ऐसा मोलिक्यूल जो प्रोड्यूस किया गया है यानी बनाया गया किससे, बाइंग ए सेल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म किया जाता है ग्लूकोज फूड के डाइजेशन से, वैसे ही ऐसा मॉलिक्यूल जो क्या है जिंदा प्राणी के द्वारा बनाया गया है उनको क्या बोलते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए वेस्ट एरे ऑफ फंक्शन, और एक बायो मॉलिक्यूल की अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है एंड अलग अलग वो क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शंस करता है, काम करता है। नेक्स्ट, द फोर मेजर टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, मतलब मोस्टली जो बायो मॉलिक्यूल है वो कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के, जिसके अंदर सबसे पहले कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर आज, जिसके ऊपर आज का क्या है लेक्चर है, दूसरा लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। फिर क्या है बायो मॉलिक्यूल्स के टाइप है अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट यानी जो एनर्जी प्रोवाइड करवाए, लिपिड्स यानी जो स्ट्रक्चर को फॉर्म करे और एनर्जी भी प्रोवाइड करवाए, प्रोटीन्स और क्या है न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए, आरएनए। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक था उसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन पढ़ेंगे अपन आज के लेक्चर में, और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का, फिर क्या है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ोगे, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का किसमें कन्वर्ट होना, पाइरुवेट में, फिर क्रैब साइकिल, फिर क्या है उस पाइरुवेट का आगे क्या है किसके अंदर कन्वर्ट होना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, और एनर्जी फॉर्म होना ह्यूमन बॉडी के लिए, ग्लूकोजेनेसिस यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में स्टोर होना लीवर के अंदर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोजन का इसमें वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना। फिर क्या था एचएमपी सेंट यानी क्या है ये ऊपर के जो प्रोसीजर थे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नीचे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या है एनर्जी फॉर्म करना। डिजीज इससे रिलेटेड कौन सी है, ग्लाइकोजन स्टोरेज, डायबिटीज मेलाइटस या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आज का जो लेक्चर है वो किसके ऊपर है आपके, बायो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। पहला बायो मॉलिक्यूल क्या था, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले क्या है इसका जनरल इंट्रोडक्शन यानी कार्बोहाइड्रेट है क्या, सबसे पहले जो अभी इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है, पॉली एक्टिव, मतलब काफी सारी, एक पॉली मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स काफी कंटेंट, पॉली एक्टिव हाइड्रोक्सी यानी H2O या वाटर के मॉलिक्यूल्स, एल्डिहाइड या कीटोन्स, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक्टिवेट हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड या कीटोन से मिलकर बना कंपाउंड। एल्डिहाइड मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंस क्या है, एल्डिहाइड है, और C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन की प्रेजेंस क्या है, कीटोन है। इन दोनों एल्डिहाइड या कीटोन के साथ हाइड्रोजन की प्रेजेंस, जैसे H2O के मॉलिक्यूल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इसलिए क्या बोला इनको पॉली बोला है। ये कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सिल और एल्डिहाइड और कीटोन,
क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो क्या है इसकी पहले की जो डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट इज ए केमिकल कंपाउंड। एक क्या है? केमिकल कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्या है इसका फॉर्मूला, जिसके अंदर कार्बन का मॉलिक्यूल कितना है? Cn, यानी कार्बन के नंबर। H2O, N यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज सैकेराइड अप्रोक्सीमेटली 15 to 70% ऑफ एनर्जी इन एवरेज डाइट प्रोवाइड बाय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज सैकेराइड, मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोलते हो आप? सैकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है, क्योंकि स्वाद में कैसे होते हैं? थोड़े मीठे होते हैं। अप्रोक्सीमेटली लगभग यानी 50 to 70% ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी अपन ह्यूमन बॉडी के अंदर कंपोज्ड करते हैं या डाइट के अंदर लेते हैं, इन एवरेज डाइट, डेली की डाइट में, प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले क्या है कार्बोहाइड्रेट? है क्या? पॉली एक्टिव हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से बने हुए कंपाउंड है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट इज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जिसके अंदर जो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? कार्बन का मॉलिक्यूल अगर एक होगा तो ठीक है, दूसरा क्या है? H2O, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी क्या होगा? एक होगा। जैसे C2 या फिर जैसे C1 यानी H2O, जैसे C2 या फिर H2O2। कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज सैकेराइड, और कार्बोहाइड्रेट को आप क्या भी बोलते हो? शुगर। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 15 to 70% ऑफ एनर्जी इन एवरेज डाइट प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट। और आप जो रेगुलर डाइट लेते हो डेली, यानी फूड, उसके अंदर मोस्ट जो एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कितने परसेंट? 50 से 70%। नेक्स्ट क्या है कार्बोहाइड्रेट? क्या है? इट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का क्या है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्य सोर्स है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड करवाता है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फिर प्रोटीन का, और फिर किसका होता है? फैट का। नेक्स्ट, ए हेल्थी पर्सन नीड्स यानी आवश्यकता कितनी? 400 ग्राम यानी 400 ग्राम्स। और एक क्या है हेल्थी पर्सन को कितनी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की? 400 ग्राम डेली एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने कैलोरी यूनिट, यानी कितने कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्या है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी फॉर वर्क, यानी कार्बोहाइड्रेट जो बायो मॉलिक्यूल है वो क्या काम करता है? अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो वर्क करती है यानी काम करती है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट आल्सो सर्व एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट किस तरीके के लिए काम में आता है कि उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके एनर्जी मॉलिक्यूल को अपन लीवर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। किस चीज के लिए? टू यूज इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ बॉडी, मतलब अगर अपन ह्यूमन बॉडी को अचानक से भूख लग गई या फिर फास्ट हुआ, उस टाइम पे उस एनर्जी को क्या है आप स्टोर की हुई एनर्जी को काम में ले सकते हो। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूट जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ए पार्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। कंस्टिट्यूट मतलब बनाना किसी चीज को, किसको बनाने में इन्वॉल्वमेंट है कार्बोहाइड्रेट की? जेनेटिक मटेरियल में, यानी अनुवांशिक मटेरियल में। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसको फॉर्म करता है, किसकी फॉर्म है, किसका पार्ट है? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का, या राइबोज न्यूक्लिक एसिड का भी उसको फॉर्म करने में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट, दे आर कंस्टिट्यूंट ऑफ ऑल द सेलुलर ऑर्गन्स। ये क्या है कि जैसे और सेलुलर ऑर्गन्स हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर गोल्जी बॉडी, उन सभी के फॉर्मेशन के अंदर, ऑर्गन के, उनके अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। कार्बोहाइड्रेट
आर ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनल्स लाइक द सेल मेम्ब्रेन, यानी कार्बोहाइड्रेट और क्या है, किनका कंपोनेंट है, कौन से ऑर्गन्स का, जैसे सेल मेम्ब्रेन है उसके फॉर्मेशन में भी कार्बोहाइड्रेट की इन्वॉल्वमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की इन्वॉल्वमेंट है उनके फॉर्मेशन के अंदर। तो शुरू से देखिए इसके अंदर, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण स्रोत है। ए हेल्थी पर्सन नीड्स 400 ग्राम डेली, यानी एक हेल्थी अडल्ट पर्सन के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की, 400 ग्राम डेली, यानी एक दिन के अंदर। एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, 4 किलो कैलोरी। फिर क्या है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी फॉर वर्क, यानी कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते, यानी ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं, किस चीज के लिए, वर्क के लिए, काम करने के लिए, कार्य के लिए। कार्बोहाइड्रेट आल्सो सर्व एज द स्टोरेज ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक स्टोरेज एनर्जी की फॉर्म में भी काम आते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी उसको स्टोर कर लेती है, जब कभी जरूरत पड़े अपन उसको काम कर ले या प्रिजर्व कर लेती है, बचा लेती है। स्टोरेज फॉर्म कौन सी उसकी, ग्लाइकोजन, यानी उसके अंदर ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, किस चीज के लिए, टू यूज इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी की अचानक से होने वाली डिमांड एनर्जी के लिए, उसको पूरा करने के लिए। कंस्टिट्यूट जेनेटिक मटेरियल, यानी कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल को भी फॉर्म करता है, उनके अंदर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, डीएनए और आरएनए को। दे आर कंस्टिट्यूंट ऑफ ऑल द सेलुलर ऑर्गन, ये क्या है, अदर सेलुलर ऑर्गन को फॉर्म करने के अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट है। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कंपोनेंट ऑफ सेल ऑर्गन लाइक द सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कंपोनेंट, मतलब इनका भी एक घटक है, किसका, सेल ऑर्गन का, लाइक जैसे सेल मेम्ब्रेन का, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का, या न्यूक्लियस का, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्या है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, वो किसके ऊपर बेस है, सैकेराइड के ऊपर, यानी शुगर के कंपाउंड के ऊपर, कि कितने शुगर उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन दिया गया। तो सबसे पहले इसको 3 चीजों में डिवाइड किया गया, एक तो मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड, और लास्ट में क्या है, पॉलीसैकेराइड। मोनो मीन्स सिंगल सैकेराइड, यानी सिंगल शुगर जिसमें प्रेजेंट हो, यानी वन मॉलिक्यूल किसका प्रेजेंट हो, सैकेराइड का। ओलिगोसैकेराइड में यानी 10 से कम शुगर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, या 10 से कम सैकेराइड्स प्रेजेंट हो। और पॉलीसैकेराइड में पॉली मीन्स बहुत, उसके अंदर 10 से ज्यादा सैकेराइड के क्या है, ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखिए मोनोसैकेराइड, ओनली वन सैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड के अंदर कितने ग्रुप होते हैं सैकेराइड का, ओनली एक ही ग्रुप होता है, एक ही शुगर प्रेजेंट होती है मोनोसैकेराइड के अंदर। और क्या होता है, नो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल, यानी मोनो जो सैकेराइड है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मोनो कंपाउंड है, उसको आप और ज्यादा हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसके अंदर जो H2O मॉलिक्यूल है उसको आप कंपाउंड को तोड़ नहीं कर सकते, यानी दो भागों के अंदर मोनो को डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड, दिस इज कंपाउंड ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब ऐसे कंपाउंड जो क्या है मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं। लेस देन 10 सैकेराइड, मतलब जिसके अंदर सैकेराइड शुगर की संख्या क्या होती है, 10 से कम होती है। हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल, यानी इनका ब्रेकडाउन क्या है, पॉसिबल है। जैसे ओलिगो को अगर आप, उसके फॉर्मेशन में मोनो का क्या है, रोल है, अगर आप इसकी ब्रेकडाउन करोगे तो क्या है, ओलिगोसैकेराइड से वापिस क्या बन जाएंगे, मोनोसैकेराइड फॉर्म हो जाएंगे। सबसे पहले मोनोसैकेराइड के अंदर एक ही शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसका ब्रेक डाउन क्या है, इम्पॉसिबल है, यानी हाइड्रोलाइसिस नो पॉसिबल है इसको ब्रेक डाउन, यानी और अन्य घटकों में आप तोड़ नहीं सकते।
ओलिगोसैकेराइड क्या है, मोनोसैकेराइड का ही कंपाउंड है, मोनोसैकेराइड से ही मिलकर बना है, और उसके अंदर क्या है 10 से कम सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती है, और इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, यानी ओलिगोसैकेराइड को आप मोनोसैकेराइड के अंदर तोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का क्या है, दिस इज कंपाउंड ऑफ मोनोसेकेराइड, मतलब ये भी किन से मिलकर बने हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड से, एक्सेसिव देन 10 सेकेराइड, यानी एक्सेसिव मीन्स ज्यादा, यानी 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर, कंपाउंड से मिलकर ये बने हैं, और इनके अंदर भी क्या है हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल, यानी पॉलीसेकेराइड को आप ओलिगोसेकेराइड में बदल सकते हो, या फिर और किसके अंदर बदल सकते हो आप, मोनोसैकेराइड के अंदर भी बदल सकते हो। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का नीचे क्लासिफिकेशन का चार्ट, जिसके अंदर आप देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट को कितने कंपाउंड में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर दो चीजें हैं, एल्डोलेज यानी एल्डिहाइड ग्रुप, और दूसरा क्या है कीटोज यानी कीटोन ग्रुप। फिर इनको मोनोसैकेराइड को फर्दर कार्बन एटम के बेस के ऊपर क्लासिफाई किया गया था कि मोनोसेकेराइड के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, जैसे सबसे पहले ट्राइओज है जिसके अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मोनोसेकेराइड, टेट्रोज यानी 4 कार्बन का मोनोसेकेराइड, पेंटोज यानी ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट हो, हेक्सोज यानी ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, हेप्टोज यानी ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 7 कार्बन प्रेजेंट हो। और मोनोसेकेराइड के अंदर कौन सा भी ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड से भी मोनोसेकेराइड फॉर्म होते हैं, और कीटोन से भी मोनोसेकेराइड फॉर्म होते हैं, यानी मोनोसेकेराइड को दो ग्रुप में फिर डिवाइड कर सकते हो आप, एल्डिहाइड ग्रुप में और कीटोन में। ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइड कंपाउंड है। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड के अलावा क्या है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में क्या चीजें हैं, जैसे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के अंदर क्या है दो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, ट्राइसेकेराइड के अंदर 3 मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, टेट्रासेकेराइड के अंदर 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। फिर है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का मतलब एक्सेसिव देन 10 सेकेराइड, यानी 10 से ज्यादा शुगर की यूनिट उसमें प्रेजेंट होगी मोनोसेकेराइड की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को दो चीजों में क्लासिफाई किया गया, एक तो सिंपल शुगर यानी सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड को फिर फर्दर दो चीजों में क्लासिफाई किया गया, एक तो मोनोसेकेराइड एक ओलिगोसेकेराइड। तो सबसे पहले है, फिर उसका अलग क्लासिफाई किया गया है कार्बन एटम की बेस के ऊपर, ऊपर तो शुगर की यूनिट के ऊपर बेस क्लासिफिकेशन है और नीचे कार्बन एटम की बेस के ऊपर। तो सबसे पहले बायोस यानी जिस सेकेराइड के अंदर 2 कार्बन के मोलिक्यूल हो, ट्राइओस यानी C3H6 या O3, यानी कार्बन के एटम कितने हैं 3 और H2O के एटम भी कितने हैं 3। ट्राइओस का एग्जाम्पल क्या है ग्लिसरेल्डिहाइड। नेक्स्ट टेट्रोज यानी कार्बन के एटम कितने हैं 4 और H2O के मॉलिक्यूल भी कितने हैं 4, जिसका एग्जाम्पल क्या है एरिथ्रोज। फिर है पेंटोज यानी कार्बन के एटम है जिसमें 5 और H2O के मॉलिक्यूल भी कितने हैं 5, यानी हाइड्रोक्सी भी कितना है 5, इसका एग्जाम्पल क्या है अर्बिनोज। नेक्स्ट है हेक्सोज यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट हो 6 और H2O के मॉलिक्यूल भी कितने हो 6, और जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है ग्लूकोज, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन एनर्जी कंपाउंड है जिसका डाइजेशन सबसे पहले होता है। नेक्स्ट है हेप्टोज यानी ग्लूसीहेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज, जिसके अंदर 7 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हो। फिर है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के अंदर यानी डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड का मतलब क्या है लेस देन 10 सेकेराइड, जिसके अंदर 10 से कम शुगर की यूनिट प्रेजेंट हो। ओलिगोसेकेराइड को फिर अलग क्लासिफाई किया गया, जैसे डाइसेकेराइड जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट हो, जैसे सुक्रोज और माल्टोज। फिर है ट्राइसेकेराइड जिसके अंदर क्या है 3 मोनोसेकेराइड की यूनिट प्रेजेंट है, जैसे रेफिनोज या फिर रेमिनोज। नेक्स्ट है टेट्रासेकेराइड यानी जिसके अंदर 4 मोनोसेकेराइड की यूनिट प्रेजेंट है, जिसका एग्जाम्पल क्या है ट्राइकोज। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट कंपाउंड क्या है पॉलीसेकेराइड।
फिर है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। अगर आप चार्ट के बेस पे देखो तो फिर भी इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, फिर ओलिगोसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का क्या है? ट्राइयोज यानी ग्लिसरेल्डिहाइड, टेट्रोज यानी एरिथ्रोज, पेंटोज यानी राइबोज या जाइलोज। नेक्स्ट हेक्सोज यानी ग्लूकोज। छह के अंदर और कौन सी शुगर प्रेजेंट है ग्लूकोज के साथ? फ्रक्टोज यानी हेप्टोज यानी सूडो हेप्टुलोज। ओलिगोसेकेराइड के अंदर फिर वही क्लासिफिकेशन है। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज। ट्राइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या है? रेफिनोज। फिर है पॉलीसेकेराइड यानी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड या फिर स्टोरेज पॉलीस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? ऐसे पॉलीसेकेराइड जो क्या है, स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में काम में आते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी की सेलुलर ऑर्गन्स को फॉर्म करने में काम में आते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? सेलुलोज। और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्टार्च। स्टार्च को आप किसमें वो करते हो, स्टोर करते हो? पेड़ों के अंदर या प्लांट्स के अंदर एनर्जी जो स्टोरेज होती है वो किसके अंदर, कि कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च के अंदर। और क्या है? इनुलिन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम दे में बी क्लासिफाइड। यानी जो पहला क्लासिफिकेशन था वो कार्बोहाइड्रेट का किसके ऊपर बेस था? सेकेराइड के ऊपर, कि कौन से कंपाउंड के अंदर कितनी शुगर प्रेजेंट है, कितने सेकेराइड की यूनिट प्रेजेंट है। दूसरा क्लासिफिकेशन दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने कार्बन के अणु है, एटम है। तो सबसे पहला जो था टेट्रोज यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसेकेराइड जिसमें चार कार्बन प्रेजेंट हो। ए टेट्रोज इज ए मोनोसेकेराइड विद फोर कार्बन एटम, यानी ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें चार कार्बन के एटम है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? एरिथ्रोज। नेक्स्ट है पेंटोज, जिसके अंदर कितने कंपाउंड है? पांच कार्बन कंपाउंड है। इन केमिस्ट्री ए पेंटोज इज ए मोनोसेकेराइड विद फाइव कार्बन एटम, मतलब ऐसे मोनोसेकेराइड जिसके अंदर कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट हो? पांच एटम प्रेजेंट हो, जिसका एग्जाम्पल क्या है? जाइलोज और राइबोज, जो किसके अंदर काम में आते हैं? जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करने के अंदर, जैसे कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या फिर आरएनए के अंदर। इसीलिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? कि ये जेनेटिक मटेरियल को फॉर्म करने के अंदर काम में आते हैं। नेक्स्ट हेक्सोज, इन ए केमिस्ट्री ए हेक्सोज इज ए मोनोसेक्राइड विद सिक्स कार्बन एटम। हेक्सोज का मतलब क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर छह कार्बन के एटम प्रेजेंट हो, यानी ऐसी मोनोसेक्राइड जिसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हो? छह, जिसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज ऐसा कंपाउंड है जिसको ह्यूमन बॉडी सबसे जल्दी डाइजेस्ट करती है, ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसको क्या है, ह्यूमन बॉडी अपने एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लेती है, चाहे कौन सा ही हो। जैसे ओलिगोसेक्राइड अगर चला गया तो उसको क्या है, ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज में, और फिर क्या है उसको एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर काम में लिया जा सकता है। आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किसके ऊपर होगा आपका, यानी जो इसके मॉलिक्यूलर थे, जैसे आपने क्लासिफिकेशन किया था कार्बन एटम के बेस पे, जैसे ग्लूकोज सुक्रोज, तो इनकी स्ट्रक्चर और इनकी जो अणु है, फंक्शन है, फंक्शनल ग्रुप है, उनके ऊपर होगा, और इनका डाइजेशन कैसे होता है उसके ऊपर। थैंक्स टू ऑल।